ये बात किसी से नहीं छिपी कि संजय दत्त इंडस्ट्री में अपनी फ्रेंडशिप, बेबाकी और दरियादिली के लिए काफी मशहूर हैं। संजय दत्त जितने बेबाक हैं, दोस्ती के मामले में वो उतने ही पक्के भी हैं। बिटाऊ में ऐसे कई बड़े स्टार्स हैं जिनके साथ संजय दत्त की अच्छी बनती है। इतना ही नहीं, दोस्तों पर आई मुसीबत के समय उनके लिए खड़े रहने के लिए भी संजू बाबा को पहचाना जाता है। और कुछ यही दरियादिली दिखाते हुए संजय दत्त कभी शाहरुख खान के बॉडीगार्ड बन गए थे। क्या है ये पूरी कहानी, बताते हैं आपको। दरअसल जब संजय दत्त अपनी फिल्म मुन्ना भाई MBBS के प्रमोशन के सिलसिले में कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर गए थे, तब खुद शाहरुख खान ने ही इस किस्से को शेयर किया था। ये उन दिनों का वाकया है जब शाहरुख खान नए ही इंडस्ट्री में आए थे। तब शाहरुख इंडस्ट्री में बहुत लोगों को पहचानते नहीं थे। इस दौरान शाहरुख का किसी बात पर एक शख्स से झगड़ा हो गया था। तब संजय दत्त को ये बात पता चली तो वो अपनी जीप लेकर शाहरुख के पास पहुँचे और उनसे कहा कि तुम्हें किसी ने भी टच किया तो मुझे बताना। यानी इंडस्ट्री में नए शाहरुख खान को संजय जानते भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने शाहरुख की सेफ्टी का जिम्मा अपने ऊपर लिए। मतलब एक बॉडीगार्ड की तरह संजय ने शाहरुख की रक्षा करने के लिए आगे आए। और आज संजय और शाहरुख बेहद ही अच्छे दोस्त हैं। संजय दत्त ने ना जाने ऐसे कितने दोस्तों की मदद की होगी जब उनके पास कोई दूसरा मदद के लिए मौजूद नहीं था। और इसीलिए तो संजू को यारों का यार कहा जाता है। इंडिया बॉलीवुड वायरल की रिपोर्ट।